भाजपा ओबीसी मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत देश का विकास कर रही है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार फिर से बनने जा रही है। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के खेड़ी शिकोहपुर ग्राम पंचायत के गांजा माजरा गाँव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा राकेश गिरी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। गिरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों का विकास किया है। केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के द्वारा कार्य कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार फिर से बनने जा रही है। कार्यक्रम संयोजक अश्वनी काम्बोज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से सभी वर्ग के लोग प्रभावित हैं। आज ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारियों के द्वारा ओबीसी समाज में अपना एक जन जागरण कार्यक्रम था, जिस कारण हम लोग ओबीसी समाज में जाकर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को बताया, जब तक जनता का रिस्पॉन्स मिला। अभी हमने जब यहाँ पर देखा अपना, तो जनता बहुत खुश है। और ये आज इसमें जो हरिद्वार जनपद है हमारे, इसमें हम 11वें मंडल में इस समय हैं यहाँ पर, और हमारे माने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने भी आज फोन के माध्यम से हमारे ओबीसी समाज को संबोधित किया, और ओबीसी समाज में बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।